एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम रिंगवॉर्म के बारे में बात करेंगे, जिसको दाद कहते हैं ये, और मेडिकल लैंग्वेज में इसको टीनिया कॉर्पोरिस कहते हैं, कि क्या होता है, कैसे फैलता है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन से आप अपने रिंगवॉर्म की प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो रिंगवॉर्म क्या होता है? इनिशियल स्टेज में रिंगवॉर्म एक राउंड शेप स्ट्रक्चर होती है बॉडी पर, जिसका जो सेंटर पार्ट होता है वो चिकना होता है, और जो सराउंडेड पार्ट होता है उसमें लाल लाल छोटे छोटे दाने देखने को मिलते हैं, जिसमें सीवियर इचिंग होती है। तो रिंगवॉर्म लोगों में फैलने वाली बीमारी है। रिंगवॉर्म की प्रॉब्लम से लोग बहुत परेशान होते हैं। इसका कारण क्या है कि सही समय पर सही ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण रिंगवॉर्म बॉडी में फैलता ही जाता है। एलोपैथिक मेडिसिन से रिंगवॉर्म को सप्रेस करती है, जिसके कारण रिंगवॉर्म के केसेस क्रोनिक हो जाते हैं। रिंगवॉर्म 40 प्रकार के फंगस से बॉडी में किसी को भी डेवलप हो सकता है और कहीं पर भी डेवलप हो सकता है। ये ज़्यादा मॉइस्ट एरिया में या इनर एरिया में, जहाँ पर मॉइस्ट ज़्यादा रहती है वहाँ पर ग्रो करता है, नमी वाले एरिया में डेवलप होता है। अगर आपकी फैमिली में किसी एक पर्सन को दाद का या रिंगवॉर्म का इन्फेक्शन हो गया है तो ये पूरे फैमिली को हो जाता है, यहाँ तक कि बच्चों को भी हो जाता है रिंगवॉर्म का इन्फेक्शन। तो ये कैसे फैलता है? रिंगवॉर्म कॉन्टैक्ट से फैलता है कि अगर जिसको रिंगवॉर्म का इन्फेक्शन है उस बंदे से अगर आप हाथ मिला रहे हैं, या उसका टॉवल यूज़ कर रहे हैं, या उसका कोई कॉम्ब यूज़ कर रहे हैं, या क्लोथ यूज़ कर रहे हैं, तो इन्फेक्शन आपको हो सकता है। और अगर आपके घर में कोई पैट है उससे भी आपको रिंगवॉर्म का इन्फेक्शन हो सकता है। या लंबे समय तक आप नंगे पैर सोयल में रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, तो आपके जो अंगूठे हैं उनमें भी रिंगवॉर्म का इन्फेक्शन हो जाता है। तो मैं आज इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रही हूँ कि किन किन होम्योपैथिक मेडिसिन से आप अपने रिंगवॉर्म की प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो मेरी फर्स्ट मेडिसिन है डलगामारा 30। अगर आपके रिंगवॉर्म का इन्फेक्शन है आपके सर में हो गया है, और सर में इतनी ज़्यादा इचिंग होती है कि खुजलाते खुजलाते आपको खून निकल जाता है, फेस पे हो गया है, हाथों पैरों में हो गया है, तो आप डलगामारा 30 की 2-2 बूंद दिन में 4 बार 1 चम्मच पानी में ले सकते हैं। ये मेडिसिन आपको 3-4 मंथ कंटिन्यू करनी है। मेरी दूसरी मेडिसिन है क्रायोसोर्बिनम 3x की टैबलेट। आप एक एक टैबलेट दिन में 3 बार ले सकते हैं, ये टैबलेट लेनी है। और मैं दूसरा एक ऑइंटमेंट बताने जा रही हूँ, जहाँ पर भी आपको रिंगवॉर्म का इन्फेक्शन है आप इस ऑइंटमेंट को लगा सकते हैं। ये ऑइंटमेंट है क्रायोसोर्बिनम ऑइंटमेंट है, आप इसको अप्लाई कीजिए जहाँ पर भी आपको रिंगवॉर्म का इन्फेक्शन है। और मैं एक रैकवैक की ड्रॉप बताने जा रही हूँ, एंटी फंगल ड्रॉप R82 ड्रॉप। ये ड्रॉप कई मेडिसिंस का कॉम्बिनेशन है, इसमें बहुत सारी मेडिसिंस डली हुई है। आप इस ड्रॉप की 10-10 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं, तो आप ये मेडिसिन आपको 3-4 मंथ कंटिन्यू करनी है। और साथ ही में आपको प्रिवेंशन के तौर पर क्या करना है कि जिस भी बंदे को रिंगवॉर्म का इन्फेक्शन है उसके टॉवल यूज़ करने से बचे, कॉम्ब यूज़ करने से बचे, और उसके क्लोथ्स को आप यूज़ नहीं करना चाहिए। पैड को भी आपको अपने बैठने वाली जगह में नहीं रहना चाहिए, फ्लोर को आपको क्लीन रखना चाहिए। तो ये मेडिसिन आप 3-4 मंथ कंटिन्यू कीजिए, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के बहुत ही अच्छा वर्क करेगी और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो आज आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।